हाय एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर और आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंट्स इन एलगी तो पिगमेंट्स क्या होते हैं पिगमेंट्स वो सबसिस्टेंस होते हैं जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं तो एलगी के केस में ये क्या होगा उसको कलर प्रोवाइड करेगा साथ ही फोटो सिंथेसिस में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं ठीक तो है तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं तो ये मेमरी बाउंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्लास्टिक्स उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और जो ये सभी जो, जो मेंबर्स होते हैं या सभी जो क्लासेस हैं अलग उन सभी में प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट साइनोफाइसी साइनोफाइसी के मेंबर्स में जो है ये इस तरीके से जो है प्लास्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते पेरीफेरियल की तरफ जो है साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और उसे हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं वहाँ पर जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिक जो है तीन तरीके के हो सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिक्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के प्लास्टिक्स होते हैं जो लीव्स वगैरह को कलर इम्पार्ट करते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिक होता है जो हायर प्लांट्स में जो है फ्रूट को और फ्लावर्स को कलर दे रहा होता है ठीक है ये सेंथोफिल और कैरोटीन की वजह से कलर आ रहा होता है ठीक है वहीं क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल ए और बी की वजह से जो कलर आ रहा होता है वो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं प्लास्टिक कंटेनिंग क्लोरोफिल ए एंड बी आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट और जिन क्लोरो जो प्लास्टिक्स में क्लोरोफिल ए के साथ बी प्रेजेंट नहीं होता यानी लेकिन बी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है मगर कोई दूसरा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उनको हम क्रोमेटोफोस कहते हैं ठीक है ठीके? फिर हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्रोमेटोफोस को स्टडी कर लेते हैं तो जो है ये कप शेप्ड होता है किसमें कप शेप्ड होता है तो क्लोमेडोमोनास में ही और वॉलवॉक्स में ही कप शेप्ड होता है तो इस तरीके से का जो है स्ट्रक्चर अपन को क्लोमेडोमोनास में देखने को मिलता है कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा फिर जो है डिस्कॉइड किस में देखने को मिलता है तो डिस्कॉइड जो है वाउचेरिया और कारा में देखने को मिलता है आप देख सकते हैं डिस्क के फॉर्म में जो है कोने कोने में पिक्चर में आप देख सकते हैं वाउचेरिया में कोने कोने में डिस्क के फॉर्म में जो है क्लोरोप्लास्टिक खट्टा है फिर ग्रिडल शेप किस में होता है तो यूलोथ्रिक्स में यूलोथ्रिक्स में जो है ये इस तरीके से ग्रिडल शेप्ड होता है यहाँ से ये पूरी तरह से बंद होगा यहाँ से और ये ग्रिडल शेप का जो अपना प्रेजेंट होगा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अच्छे से कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट ग्रिडल शेप प्रेजेंट होता है फिर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो है पेरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं पेरिनोइड्स वो स्ट्रक्चर होते हैं है जो टाच को स्टोर कर रहे होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच रहते हैं ठीक है फिर अपन अगली बात कर लेते हैं रेटिकुलेट शेप तो रेटिकुलेट शेप किस में मिलता है उडोगोनियम हाइड्रोडिक्टॉन और क्लेडोफोरा में ये जो पहली पिक्चर है ये उडोगोनियम की है जिसमें जो है रेटिकुलेट या नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में जो है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ठीक है बीच में न्यूक्लियस है और नीचे जो है पेरानोइड्स प्रेजेंट है ये स्पायरल शेप जो है वो किस में देखने को मिलेगा स्पायर में इसमें क्या होता है स्पायरल फॉर्म में जो है ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है अपना रहता है अरेंज ठीक है फिर सीलिएट ये किस में देखने को मिलता है जैगेनेमा में देख सकते हैं आप पिक्चर में कि स्टार शेप जो है स्ट्रक्चर के रूप में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है अब हम बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स फीचर की तो पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एलगी में क्लोरोफिल कैरटिनॉइड्स और पाइकोबिलीन क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है प्रेजेंट होते हैं ठीक है वहां पर ये प्रेजेंट होता है तो जो स्टॉक होके या ये कह सकते हैं पाइलअप होके एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रेनम बना लेते हैं तो ये उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फिर फाइकोबिलीन कहाँ प्रेजेंट होता है तो फाइकोबिलीस जो है ये प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस ऑफ थैलोकॉइड ठीक है ये ऑर्गेनाइज हो जाता है फाइकोबिली में और ये कहाँ अरेंज हो जाता है लीनियरली फॉर्म में आउटर सरफेस ऑफ थैलोकॉइड्स जबकि कैटेनोइड्स जो है वो प्रोटीन से या मैम ऑफ क्लोरोप्लास्ट से अटैच रहते हैं फिर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी में जो है डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलोकॉइड्स भी अलग अलग देखने को मिलेगा फिर अपन बात कर लेते हैं क्लोरोफिल की तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और कलर इम्पार्ट करता है ये अपन को पता ही है फिर क्लोरोफिल ए जो है वो सभी एल्गी में प्रेजेंट होता है ये याद रखने वाली बात है कि कौन सा क्लोरोफिल है जो सभी एल्गी में देखने को मिलेगा तो अपन एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है है ना क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है इस तरीके से तो ये सभी एल्गी के मेम्बर्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में प्रेजेंट होता है पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को और इस तरीके से ग्रो हो रहा है फिर क्लोरोफिल ए और सी जो है पीओफाइसी क्राइसोफाइसी और बेलीरोफाइसी uh, के मेंबर्स को कलर इम्पार्ट करता है फिर ये जो सेकेंड पिक्चर है इसमें जो है पीओफाइसी का मैंबर ग्रो कर रहा है जिससे हम हाँ अपन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं उसमें क्लोरोफिल ए और सी की वजह से ये ब्राउन कलर आ रहा है ठीक है ए और डी वो किस में मेम्बर होता है प्रेजेंट होता है तो रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और डी जो कि उसे रेड कलर इम्पार्ट कर रहा होता है ठीक है थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है रेड एल्गी ग्रो कर रही है जो कि ए और डी की वजह से रेड कलर की है ठीक है फिर ए और ई e, जो कि किस में प्रेजेंट होता है जैनतोफाइसी के मेम्बर्स में तो जैनतोफाइसी के जो मेम्बर्स होते हैं उनमें ए और ई e की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे हो जाता है येलो ग्रीन कलर के हो जाते हैं ठीक है तो लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं येलो ग्रीन कलर की मैंबर ग्रो हो रहा है ठीक है तो फिर अपन बात कर लेते हैं कैरोटीन्स की कैरोटीन्स जो होते हैं वो पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है तो अपन ने अभी बात करी कैरटीनॉइड्स की कैरटिनॉइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक तो होता है कैरोन और एक होता है जैनथोफिल ठीक है तो कैरोटिन की बात कर लेते हैं अपन पहले कैरेटिन मैंने कहा दो टाइप के होते हैं कैरोटिन और जेंथोफिल हम बात कर रहे हैं पहले कैरोन कैरेटिनइड्स में कैरोटिन की तो कैरोटिन क्या होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ठीक है और इनमें जो है ऑक्सीजन एटम एब्सेंट होता है ठीक है तो ये अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है ठीक है अल्फ़ा जो कैरोटिन है वो क्लोरोफाइसी क्रिप्टोफाइसी रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है ठीक वहीं बीटा कैरोटीन जो है सभी एल्गल ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी ठीक है क्रिप्टोफाइसी के मेम्बर्स के, के अलावा सबसे मेजोरिटी में जो कैरोटीन सभी एल्गी में प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता कैरोटीन प्रेजेंट होता है तो वो कैरोटीन होता है बीटा कैरोटीन फिर सी कैरोटीन जो है क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है ने और हाँ क्लोरोफाइसी में कौन कौन से कैरोटीन कैरोटीन आ गए अभी तक अल्फा, बीटा और सी क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट है फिर जो है गामा जो है वो किसमें प्रेजेंट है और लाइकोफीन किस में प्रेजेंट है तो कैरोफाइसी में ठीक है फिर ई कैरोटीन किस में प्रेजेंट है बेरेरोसी क्रिप्टोफाइसी पीओफाइसी साइनोफाइसी के मेंबर्स में, में प्रेजेंट है वहीं फ्लैवीन जो है मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी में प्रेजेंट है तो साइनोफाइसी में कौन कौन से आ गए साइनोफाइसी में आ गया अपना ई कैरोटिन ऑफ फ्लेवेसिन तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं वैसे ये पढ़ा रोडोफाइसी में तो रोडोफाइसी में अल्फा और बीटा दोनों आ गए ठीक है फिर जेंथोफिल तो जेंथोफिल में क्या है जेंथोफिल में क्या है जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन की चेन होगी तो ये कैसी होती है ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटिनॉइस पिगमेंट्स होते हैं ठीक है अब ये कौन कौन से हो सकते हैं ल्यूटीन वायलोजेंथीन नियोजेंथीन ये किस में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथीन जो है फियोफाइसी और डायटम्स में प्रेजेंट होता है वहीं ल्यूटीन जियाजेंथीन वायलोजेंथीन फ्लैवजेंथीन टेराजेंथीन जो है रोडोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं वहीं मिक्स माइसोजेंथोफिल माइक्सोजेंथीन और ऑक्सकिलो ऑक्सरोन जो है साइजो फाइसी में प्रेजेंट होता है तो अपन को ये अलग अलग मेंबर्स के मेंबर वाइज याद करना है तो अपन को फीयोफाइसी में अपन को ऊपर वाले तीन तो लिख के ही आना है साथ में फ्यूकोजेंथीन भी लिख के आना है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूकोजेंथीन किस में प्रेजेंट होता है तो अपन को याद रखना है में प्रेजेंट होता है है ठीक और एक क्वेश्चन आया फिर पिगमेंट्स जो है रोडोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं तो अपन को ये याद रखना है कि कौन कौन से पिगमेंट्स कौन कौन सी एलगी के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं तो आप इनको सेपरेट आउट करके और एक साथ याद कर लीजिए ठीक है फिर फाइकोबिलिन फाइकोबिलिन जो है वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन और बाइल पिगमेंट्स होता है जो कि फोटो सिंथेटिक्स में प्रेजेंट होता है ठीक है वाटर सॉल्यूबल होते हैं ये प्रोटीन्स और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं ये फिर कौन कौन से फाइकोबिलीन प्रेजेंट होते हैं तो जो है साइनोफाइसी में कौन सा प्रेजेंट होता है फाइकोबिलीन तो सी फाइकोसाइनिन जो है वो उनमें प्रेजेंट होता है वहीं आर फाइकोसाइनिन जो है रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है और आर जो है वो भी रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है तो आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको तो रोडोफाइसी में आर आर से अपन आ, याद रख सकते हैं कि आर फाइकोसाइनिन और आर फिरथ्रीन जब भी आएगा तो रोडोफाइसी की बात होगी वहीं सी से स्टार्ट हो रहा है सी से ही जो है आ, है तो ये किसमें प्रेजेंट होता है साइनोफाइसी में प्रेजेंट होता है अब अप, अपन बात कर लेते हैं ये कुछ क्वेश्चन की तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन एलगी तो जो अपना मेन पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है क्लोरोफिल है क्लोरोफिल ए जो है वो सभी उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वहीं जो भी बाकी और अपन ने पढ़े थे कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलीन वो क्या है एसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं तो कैरोटिनॉइड्स कौन कौन से थे कैरोटिन और जेंथोफिल और फाइकोबिलीन ठीक है फाइकोबिलीन जो था वो अलग से मैंने बताया कैरोटिनॉइड जो है जो कैरेटिनॉइड थे वो कैरोटिन और जेंथोफिल थे तो पहला ऑप्शन जो है अपना वो है कैरोटिन दूसरा है जेंथोफिल तीसरा है फाइकोबिलीन तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं ठीक है एसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये विच ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्टली मैच तो क्लोरोफिल ए और बी किसमें प्रेजेंट होता है तो ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में ठीक है ये इसमें प्रेजेंट होगा फिर तो क्लोरोफिल ए और सी किस में प्रेजेंट होता है तो अपन को याद रखना है कि ये प्रेजेंट होता है फीओफाइसी में ठीक है क्लोरोफिल ए और डी हमेशा प्रेजेंट होगा रेड एल्गी में जिनको हम रोडोफाइसी के नाम से भी जानते हैं ठीक है फिर क्लोरोफिल ए और ई e किस में प्रेजेंट होता है तो ये जेंटोफाइसी में प्रेजेंट होता है ठीक है जो उसको येलो ग्रीन कलर में पार्ट कर रहे होते हैं मैंने कलर से भी शो कर रखा है ग्रीन कलर से जो है क्लोरोफिल ए और बी जो की ग्रीन कलर दे रहे होते हैं क्लोरोफाइसी को वहीं ए और सी जो है ब्राउन सा कलर दे रहे होते हैं फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी जिन्हें हम कहते हैं ए और डी जो है रेड एलगी को रेड कलर इम्पार्ट कर रहे होते हैं और क्लोरोफिल ए और ई e जो है येलो ग्रीन कलर दे रहे होते हैं जैन को तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपन ने सही मिलाया वो कौन सा है सेकेंड ऑप्शन है तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सेकेंड फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन रेड एल्गी तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है बिल्कुल सही है क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है अभी अभी अपन ने पढ़ा क्लोरोफिल ए के साथ डी प्रेजेंट होता है और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो फाइको अगर इसको और सही लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आर फाइको इरेथरीन ठीक है आर फाइको इरेथरीन फिर इसके अपन कह सकते हैं कि सारे ऑप्शन सही हैं तो ऑल ऑफ अब आ जाएगा फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच पिगमेंट कॉमन इन ऑल एल्गी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए बी अल्फ़ा कैरोटीन ऑप्शन ए एंड सी तो कौन सा कॉमन था सभी एलगी में तो क्लोरोफिल ए जो था वो सभी एलगी में प्रेजेंट होता है कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है तो अगर ऑप्शन में बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए आता है साथ में तो वो भी सही हो सकता है क्योंकि बीटा कैरोटीन जो है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी के वो सभी जो है एलगी uh, मेंबर्स में प्रेजेंट होता है तो क्लोरोफिल ए वैसे इसका सही ऑप्शन है ठीक है फिर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो आप इनको पढ़िए पहला है ल्यूटीन वायलोजेंथिन नियोजेंथीन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी फियोफाइसी फाइकोसाइनिन इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ साइनोफाइसीन इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फियोफाइसी ठीक है और इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ अब आप पीछे स्लाइड्स को पीछे करके जब आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए कि कौन सा पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट था तो फाइकोसाइनिन जो प्रेजेंट था सी फाइकोसाइनिन वो प्रेजेंट था साइनोफाइसी में ठीक है फ्यूकोजेंथीन जो है फीओफाइसी में प्रेजेंट होता है और ल्योटीन वाइलोजेंथिन न्योजेंथीन जो है क्लोरोफाइसी और फीओफाइसी में प्रेजेंट होते हैं अब जो है एक आई आई में एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है एक्सप्लेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोर रोडोफाइसी तो रोडोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं क्लोरोफिल ए और डी अभी अपन ने पढ़ाई अल्फा और बीटा कैरोटोनाइड्स प्रेजेंट होते हैं जैंथोफिल जो है वो कौन से प्रेजेंट है ल्यूटीन जियोजेंथीन वैलोजेंथीन फ्लैवोजेंथीन टेराजेंथीन और फाइकोबिलीन प्रेजेंट होते हैं आर फाइकोरेथरीन और आर फाइकोसाइन प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रिवेटिव फॉर्म्स में बीटा पाइको एरेथरी भी प्रेजेंट होता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बैक्स में पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने का थैंक यू फॉर वॉचिंग